इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे थ्योरम द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जो दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके एरिया की रेशियो जो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल होती है। ये हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे। तो हमें गिवन है दो सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर। हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर हैं। ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। ए बी स्क्वेयर ओवर पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ओवर पी आर स्क्वेयर। कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर्स की रेशो के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे ए डी परपेंडिकुलर बी सी और पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। ये हमने दो एल्टीट्यूड ड्रा किए हैं, ए डी और पी एम जो हैं वो दोनों ट्राइंगल के एल्टीट्यूड हैं। तो प्रूफ, पहले हम एरिया निकाल लेंगे दोनों ट्राइंगल्स का। एरिया ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला वन ओवर टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ए बी सी ट्राइंगल का बेस है बी सी और एल्टीट्यूड है ए डी। तो एरिया हो गया वन ओवर टू, बेस बी सी है, एल्टीट्यूड ए डी है, ओवर पी के ऊपर ट्राइंगल का एरिया वन ओवर टू मल्टीप्लाई बेस जिसका बेस है के ऊपर और एल्टीट्यूड है पी एम। तो वन ओवर टू बेस के ऊपर और एल्टीट्यूड पी एम। वन ओवर टू से वन ओवर टू कैंसिल हो जाता है और एरिया की रेशियो इक्वल आ जाती है बी सी मल्टीप्लाई ए डी ओवर क्यू आर मल्टीप्लाई पी एम। इसे नंबर दे देते हैं वन। अब ये दो ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम इनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम इनके इनमें दो कम से कम दो एंगल ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग पता करेंगे जो इक्वल हों। दोनों ही राइट ट्राइंगल हैं, इसमें डी एंगल जो है राइट एंगल है और इसमें एम एंगल जो है राइट एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे, एल्टीट्यूड थे ए डी और पी एम। तो एंगल डी इक्वल है एंगल एम के, दोनों ही राइट एंगल हैं। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90 डिग्री। ए बी डी ट्राइंगल का एंगल बी, पी क्यू एम का ट्राइंगल क्यू, ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल थे। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका रीजन है कि ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर थी ट्राइंगल पी क्यू आर के, और ये इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब दोनों ट्राइंगल के दो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो
तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है, तो बाय ए ए फॉर एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तो दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है, तो इसलिए इसकी साइड ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल इसकी साइड ए डी ओवर पी एम। ये रेशो इक्वल होगी क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है जो कि इक्वल होती है, ये दो ट्राइंगल जो थे वो सिमिलर थे, इसे हम नंबर दे देते हैं टू। ट्राइंगल एबीसी जो थी वो सिमिलर थी ट्राइंगल पीक्यूआर के, ये हमें गिवन था, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल होगी, तो ए बी ओवर पी क्यू इक्वल होगा बी सी ओवर क्यू आर के, जिसे हम नंबर दे देते हैं थ्री। फ्रॉम टू एंड थ्री तो टू और थ्री में जहां ए बी ओवर पी क्यू ए डी ओवर पी एम के इक्वल है, तो इसमें ए बी ओवर पी क्यू बी सी ओवर क्यू आर के इक्वल है, तो दोनों में ए बी ओवर पी क्यू है जो कैंसिल हो जाएगा और ए डी ओवर पी एम इक्वल आ जाएगा बी सी ओवर क्यू आर के, ए डी ओवर पी एम इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर। अब ए डी ओवर पी एम बी सी ओवर क्यू आर के इक्वल है, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, तो पुट ए डी ओवर पी एम इक्वल बी सी ओवर क्यू आर इन इक्वेशन वन, तो वन में ए डी ओवर पी एम के स्थान पर हम लिख देंगे बी सी ओवर क्यू आर क्योंकि ये इसके इक्वल है, और लिखने पर ये बन जाता है एरिया ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर मल्टीप्लाई बी सी ओवर क्यू आर, इसकी जगह पे आएगा बी सी ओवर क्यू आर। और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर, तो एरिया की रेशो बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर के इक्वल है। अब क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, इसलिए इसकी तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो है वो इक्वल होगी, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर।
ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है, इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। अगर हम रेशो को स्क्वेयर कर दें तो भी ये रेशो इक्वल रहेंगी। तो इन रेशो को अगर हम स्क्वेयर कर दें, ए बी स्क्वेयर ओवर पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ओवर पी आर स्क्वेयर। स्क्वेयर करने पर भी ये रेशो इक्वल रहेंगे। इसको हम नंबर दे देते हैं 4, इसको दे देते हैं 5। अब नंबर 4 में बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर इक्वल है एरिया ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर की। और जहाँ बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर इस रेशो को भी इक्वल है और इस रेशो को भी इक्वल है। तो क्योंकि ये रेशो एरिए की रेशो के इक्वल है तो ये दोनों रेशो जो इसके इक्वल हैं तो ये भी एरिए की रेशो के इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 4 एंड 5 तो एरिया ट्राइंगल एबीसी ओवर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर ओवर पी क्यू स्क्वेयर इक्वल बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ओवर पी आर स्क्वेयर। तो यही हमने प्रूव करना था।